बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फन खिताबत या पब्लिक स्पीकिंग, पहला हमारा जो पार्ट था वो फन गुफ्तगू के ऊपर था कि आपने लोगों को समझना कैसे है, बात कैसे करनी है। अब है खिताबत, लोगों के एक ग्रुप के साथ आपने बात करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इस सिलसिले में अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो शुरू से लेकर आज तक हर दौर में पब्लिक स्पीकिंग को, खिताबत को नुमाया हैसियत रही है, नुमाया हैसियत हासिल रही है। कभी इसने किस्सा गो का रूप धारा, वो चौपालों में आदमी किस्से सुनाते थे। इसी तरीके से बड़े बड़े मोटिवेटर्स उस दौर में निकले। जंगें जब लड़ी जाती हैं तो उसके लिए भी आपको ख़ास तरह के मुकर्रर, ख़ास तरह के स्पीकर चाहिए होते हैं जो दिलों के अंदर आग लगा दें, आदमी को मैदान अमल में उतार दें। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं लेक्चर देता हूँ तो बेशुमार लोग तारीफ़ भी करते हैं। जब आमतौर पर लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं तो मेरे दिल में चल रहा होता है कि या अल्लाह जैसा ये कह रहे हैं मुझे वैसा बना भी दे, शर्मिंदगी सी हो रही होती है। एक शख्स ने एक दफ़ा मेरी तारीफ़ की, इतनी मज़े की कि मैंने वो अपने हर सेशन में पब्लिक स्पीकिंग के बताता हूँ। एक मुफ्ती साहब थे कोयटा के, मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, कहते हैं कि आरिफ सिद्दीकी साहब, मैंने आपके कुछ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स सुने हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको उस सलाहियत से नवाजा है जिसके लिए अल्लाह के जलीलतुल कदर पैगंबर दुआ मांगा करते थे। मैंने यहाँ तक सुनकर सोच लिया कि पैगंबर दुआ मैं समझ नहीं आई मुझे बात की। तो वो आगे कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो उन्होंने स्पेशल अल्लाह ताला से दुआ की, रबिशराली सदरी वयसरली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ये वो सलाहियत है जो पैगंबर ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियत दी है तो इसका एहतसाब भी वैसा ही होगा। इन अल्फाज का आपने सलाहियत का सही और मुस्बत इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ये तारीफ़ का ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किस तरीके से मिलाई बात और कैसे बनाई। और ये हकीकत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वाकई ये दुआ मांगी, और हम भी जब खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं, तो इसी दुआ से आमतौर पर आगाज़ करते हैं। तो मौजूदा दौर में पब्लिक स्पीकिंग की अहमियत तारीख में जितनी भी थी आज सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह यह टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए यक वक्त लाखों बल्कि मल्टी मिलियंस के साथ खिताब कर सकते हैं। पहले आप बात करते थे 100, 200, 1000 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा पाते थे। आज अगर आपकी आवाज़ में असर है तो आप यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। आप पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। आप पूरी दुनिया की राय आम बनाने में या बिगाड़ने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। शर्त यह है कि आप इस फन में माहिर हों। तो इसमें जो चीज़ें हम करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में वो क्या क्या हैं? नॉलेज। मेरे एक ट्रेनर दोस्त थे, मीटिंग हो रही थी ट्रेनर्स की, जिस तरह उलमा की मीटिंग होती है, तो स्पीकर्स और ट्रेनर्स की मीटिंग हो रही थी। तो एक साहब कहते हैं कि आरिफ साहब, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें बोलने के पैसे मिलते हैं। मैंने कहा गलत, हमें बोलने के पैसे नहीं मिलते, हमें काम का बोलने के पैसे मिलते हैं। वैसे बिला वजह की बातें कौन सुनेगा? आपको लोग बार बार इसीलिए बुलाते हैं कि आप वो बोलते हैं जिससे लोगों के इल्म में, उनकी महारतों में, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, ज़िंदगी में इजाफा होता है, तभी मुमकिन है ना। तो ये तमाम चीज़ें आप पब्लिक स्पीकिंग के ज़रिए लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके ज़रिए लोगों का कैरेक्टर बिल्ड किया जा सकता है, लोगों के अंदर हम आहंगी पैदा की जा सकती है, टीम वर्क डेवलप किया जा सकता है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, उन्हें एक मुश्तरक मकसद के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। यानी इसके ज़रिए इसकी फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है। आमतौर पर पब्लिक स्पीकिंग की जो अकसाम हैं उन्हें पहले समझ लिया जाए। एक है मालूमाती, जिसमें आप लोगों को मालूमात फराहम करते हैं। मसलन आपके किसी नए शोबे का इजरा होने जा रहा है, आप दाखिले करने जा रहे हैं, लोग आते हैं, आप ओरिएंटेशन की क्लास करते हैं, उसमें बताते हैं कि हम ये पढ़ाएंगे, इसके ये फ़ायदे होंगे, ये असातज़ा हैं, आप उसके ज़रिए मालूमात ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी होती है कायल करने वाली या तरगीब दिलाने वाली, मोटिवेशनल। जब आप किसी को अल्लाह की राह में जान देने पर आमादा कर देते हैं तो आप कुछ अल्फाज ही तो बोलते हैं, कुछ खास तरीके से तरगीब दिलाते हैं, कुछ खास तरीके से उसे मोटिवेशन देते हैं, जिसके नतीजे में वो बड़े से बड़ा कदम उठाने को तैयार हो जाता है। तो एक है मोटिवेशनल, मालूमाती, इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल या तरगीब दिलाने वाली। समाजी, ये हमारे पीछे वो 14 अगस्त के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से पीछे बैनर भी लगा हुआ है, इस तरह की तकरीबात हैं, 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस तरह के मौके पे कुछ तकारीर आपको करनी होती हैं। सियासी या मजहबी,
और तफरीही एंटरटेनिंग। इसमें जब आप किसी खास मसलक से, किसी खास फिरके से, किसी खास सियासी मसलक वालों से जब आप मुखातिब होते हैं, उसमें काफ़ी सारी आसानी होती है, क्योंकि वो लोग आपके दिमाग के होते हैं, आपकी बात के जवाब में वो सुभानअल्लाह कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, और वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए निकलते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग में मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ ज़हन के लोग इकट्ठे होते हैं। मसलन मैं एक सेशन करवा रहा हूँ, उसमें 100 लोग हैं, उनमें से 10-12 जो हैं वो एक मसलक के होंगे, 10-12 एक मसलक के, 5 किसी और मसलक के, और 5-6 दहरिये भी बैठे होंगे, 5-6 सेकुलर भी बैठे होंगे, 2-4 साइंस के पुजारी बैठे होंगे, 2-4 मगरिब के पुजारी बैठे होंगे, 1-2 स्पोर्ट्समैन बैठे होंगे, 1-2 किसी खास सियासी जमात के बंदे बैठे होंगे। अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के जहन बैठे होते हैं, उस वक्त उन सबको अपने साथ लेके चलना और अपनी बात इस तरीके से कह देना कि आप बात भी कह दें और आप बुरे भी ना बने, आप अपना पैगाम भी पहुंचा दें और इस तरह से पहुंचा दें कि दूसरे को पता भी ना चले कि किस तरह से आपने अपना काम कर लिया। ये वो फन है जो आपको बाकी तमाम स्पीकर्स खतीबों से मुमताज कर देगा। अगला जो आजकल के मुगालते भी दूर कर दूं, ट्रेनर मोटिवेटर या खतीब, सॉरी हाँ मोटिवेटर खतीब स्पीकर और प्रेजेंटर, इनमें थोड़ा फर्क होता है। आजकल जो आदमी आता है बोलने वाला, वो कहता है कि मैं ट्रेनर हूं, हर स्पीकर ये कहता है कि मैं ट्रेनर हूं, हर प्रेजेंटर भी ये कहता है, फर्क है। प्रेजेंटर किसी की चीज को, किसी की प्रोडक्ट को एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट करता है, पेश करता है। मैं इस दवाइयों की कंपनी का नुमाइंदा हूं और मैं ये दवाइयां जो है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, किस कंपनी ने बनाई है, कैसे खानी है, मैं ये आपको पेश कर रहा हूं, ये है प्रेजेंटेशन, मैंने प्रेजेंट किया। स्पीकर ये आपको आगाही देता है। स्विमिंग तैराकी एक फन है, बेशुमार लोग तैरते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी पसंद थी, पूछता की सारी बातें करता है, ये स्पीकर है जो आगाही देता है। उसके बाद आता है मोटिवेटर, शाबाश तुम कर सकते हो, तुमसे पहले भी कई लोगों ने यह किया, तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, तुमने ये भी किया, तुमने ये भी किया, तुम ये भी कर सकते हो, शाबाश तुम स्विमिंग कर सकते हो। उसे तरगीब दिलाता है, उसे मोटिवेट करता है, उसे आमादा करता है कि तुम ये कर सकते हो। और अगर उस आदमी ने उसकी मोटिवेशन में आके पानी में छलांग लगा दी तो क्या होगा, मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। अगला स्टेप है ट्रेनर, ट्रेनर वो है जो स्किल्स सिखाता है। ट्रेनर कहता है बिल्कुल ठीक है, स्विमिंग एक फन है, इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम स्विमिंग सीख सकते हो, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ पानी में उतरता है। जो स्किल्स देता है, जो महारत देता है, जो हुनर देता है, वो ट्रेनर है। मोटिवेटर जो तरगीब दिलाता है, आमादा करता है उस काम को करने के लिए। मैं एक प्रोग्राम करवाता हूं फायर वॉक, आप नंगे पैर आग के ऊपर चलते हैं, जितना ये पर्दा लगा है इतनी लंबी आग की पिच होती है, आप नंगे पैर आग के ऊपर चलते हैं और आपके पैर नहीं जलते, यू की बड़ी बात नहीं है, आग पर चलना बड़ी बात नहीं है, आप जैसे समझदार आदमी को आग पर चलने पर आमादा कर लेना बड़ी बात है भाई, आप नंगे पैर आग पर चलो, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो वो जब आप मोटिवेशन देते हैं तो आदमी आग पर भी चल लेता है, आदमी कुएं में छलांग लगा देता है, आदमी टैंकों के आगे लेट जाता है, आदमी अपने अल्लाह की राह में जान दे देता है, ये मोटिवेशन है कि मोटिवेशन आमादा करती है। फिर एक आगाही देता है स्पीकर और प्रेजेंटर जो किसी की प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, इनका फर्क पता लग गया ना आपको। अब जब आदमी आगे कहता है मैं ट्रेनर हूं, तो आपने देखना है कि वो बोल के चला गया कि स्किल्स लेके गया है। वो कहता है मैं मोटिवेटर हूं, तो वो खाली बातें करके गया कि आपके अंदर आग लगा के गया कि नहीं गया, ये फर्क आपको पता होगा तो आप उसे असेस कर सकेंगे। फिर आपने अपना तजिया करना है कि मैं कहां पर हूं और मैं बनना क्या चाहता हूं। अल्टीमेटली तो हम सबको ट्रेनर बनना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर इनका कॉम्बिनेशन है, वो आगाही भी देता है, वो मोटिवेट भी करता है और उसे स्किल्स भी देता है कि कैसे करना है। तो ट्रेनर बनने के लिए आपको पहले 2 स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा, फिर आप ट्रेनर के लेवल पर आ जाएंगे।